हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड सर्वेश। तो आज हम बात करेंगे ड्रीम फॉक्स सर्विस लिमिटेड के बारे में। एंड इसके बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, रेगुलर इन द सेंस ऑफ हमारे वॉच को वीडियो को काफ़ी फॉलो करते हैं स्टडी पर्पज के हिसाब से। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर हिम एंड नॉट ऑल्सो हिम बट और भी जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको भी कुछ क्लेरिफिकेशन मिलेगा एंड नए यूजर्स को भी मिलेगा। सो ड्रीम फॉक्स सर्विस लिमिटेड की हम जब वेबसाइट पर जाएंगे एंड वी आर हेयर द वेबसाइट, मेनली ये सर्विस प्रोवाइड करती है एयरपोर्ट पर। एंड जैसे जैसे यू नो दैट कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे लोगों का जो ट्रेवलिंग बाय एयर बढ़ रहा है दिन पे दिन, और टूरिज्म भी इंडिया में आ रहा है और लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आल्सो इज शिफ्टिंग इन इंडिया। तो जो लोग फॉरेन से आते हैं बाय एयर से ही आते हैं, और जो लोग फॉरेन में जाते हैं वो भी एयर से आते हैं। और सो इनका मेरे हिसाब से इंडिया में काफ़ी कुछ फ्यूचर है, काफ़ी कुछ ये सब ग्रोथ कर सकती है, नो डाउट। इसमें कोई मेरे हिसाब से डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ बढ़ेगी नहीं। हाँ, ये बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वी विल डिस्कस हियर। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वन मोर डिस्क्लेमर इज दैट हियर कि आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, दिस इज मेकिंग ओनली फॉर वन सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट बनाया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे कोई आपको एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। सो इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं सबसे पहले। एंड कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी सर्विस सेक्टर में है, लाउंज एक्सेस देती है एंड जो एयरपोर्ट पे रहते हैं, और मीट असेस भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कराती है, साथ साथ में फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग भी करती है एयरपोर्ट पे। तो ये एयरपोर्ट पे सारी चीज़ें जो एक तरह से मानते हैं कि जो थोड़ा कॉस्टली रहती है और जो लोग उनको अफोर्ड कर पाते हैं वो वाई एयर ट्रेवल करते हैं और थोड़ा बहुत यूजेस भी करते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा कॉस्टली तो रहती है बट डेफिनेटली लग्जरी को शो करती हैं। स्पा सर्विस भी है और ट्रांजिट होटल एंड नैप रूम, मतलब अगर कोई जा रहा है एक स्टेशन से दूसरे एयरपोर्ट पर या फिर एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट उसको पकड़ दी, तो बिटवीन द टाइम अगर एक दो घंटे रहते हैं तो यहाँ पे नैप रूम भी मिल जाते हैं, नैप यानी झपकी के लेने के लिए एक दो घंटे के लिए। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ट्रांजिट होटल्स वही बोलते हैं कि हम थोड़ा स्टे करेंगे दो चार घंटे, उसके बाद निकल जाएंगे। एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विस भी देती है, ट्रांसफर एंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। गोल्फ भी है इनके साथ, कई सारे क्लब्स के साथ, और ड्यूटी फ्री जो यहाँ पे मॉल्स वगैरह हैं, तो ये सारी सर्विस देते हैं। तो नो डाउट कंपनी का बिजनेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट इसका जो आईपीओ आया था लास्ट ईयर, द आईपीओ जब इसका आईपीओ आया एंड आईपीओ की थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं आपको, आई एम नॉट डिस्कसिंग होल ऑफ द आईपीओ डिटेल एंड या। तो आईपीओ आया लास्ट ईयर सितंबर 6 की लिस्टिंग थी और अभी 8 सितंबर हो गई है, और 308 से लेके 326 रुपये पर शेयर आया, और उससे स्टॉक एक अच्छे खासे मूवमेंट, पहले एक स्लो डाउन में रहा और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अगर हम देखें ना तो कफ विथ हैंडल का पैटर्न बना के निकल गया। अगर हम देखेंगे ना तो ये दिस विल बी द कफ एंड ये पूरा अपन कफ ले लें इसको एंड इसको छोटा सा हैंडल ले लें, तो एक अच्छा खासा यहाँ से रनवे दिया और जो टारगेट जो पहुँचा एंड टारगेट इन दी, तो जो ऑल टाइम हाई पहुँचा वो 846 के आसपास पहुँचा। वहाँ से देखें वहाँ से कितना डाउन हो चुका है प्रेजेंट में, अगर वहाँ से डाउन देखें तो डाउन तकरीबन यह है अभी 40% के आसपास डाउन है। तो आप क्या करना है, सो आई थिंक आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया है। बिजनेस मॉडल इनका कार्ड बेस्ड रहता है, कई सारी बैंकों के जो कार्ड ऑफर करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट में भी दिया है डिटेल में एंड यू कैन सी देयर या। तो इनके जो कार्ड्स रहते हैं उन पे कार्ड्स पे जो फैसिलिटी मिलती है एंड वो कार्ड्स पे कुछ बोनस भी मिलते हैं, लाउंज एक्सेस इन एयरपोर्ट आपने सुना होगा। सो दीज आर द कार्ड बेस रहता है, तो ये बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। और कार्ड की बात करें, लोग आप बोलेंगे सर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कम होंगे, मेरे हिसाब से कम नहीं होंगे। जो डेबिट कार्ड है उनकी संख्या ज़्यादा है अभी और कंपेयर देन क्रेडिट कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेबिट कार्ड की संख्या ज़्यादा है वो कम हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया SBI कार्ड के ऊपर, उसमें मैंने डिटेल में जानकारी दी, अब वो वाला वीडियो जरूर देखिए कि क्रेडिट कार्ड क्यों बढ़ेंगे, क्यों हम बहुत पीछे हैं और क्यों ऑसी जो डेवलप कंट्रियाँ हैं और जो बड़े नेशन हैं उनकी क्यों क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री ऊपर है, तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे डेफिनेटली। तो क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ेगी अगर डेबिट कार्ड की संख्या कम हुई तो। एंड नो डाउट कंपनी 2008 में आई और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है तब से। एंड इनके पास लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, 95% इनके पास मार्केट शेयर है एंड
ये एक अच्छी खासी चीज़ और इनको ऊपर ले जाने के लिए पुशअप करती है। एंड अगर हम बात करें सर्विस ऑफर्ड, मैंने आपको बता दी ये सारी सर्विस ऑफर्ड करते हैं। और अगर हम बात करें एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, इनके पास एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कुछ है वो वहीं का है, उसको एक लीज पे लेते हैं और उसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ एसेट हाई हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है। एंड अगर हम बात करें तो सबसे एक मुझे निगेटिव पॉइंट जो लगा, एंड वी विल डिस्कस हेयर, वन पॉइंट इज दैट हेयर, या द कम रेवेन्यू। तो अगर हम कंपनीज हैवीली रिलायंट ए फ्यू क्लाइंट्स ड्राइव द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द लॉज एक्सेस रिलेटेड सर्विस फ्रॉम द स्टेट सिलेक्ट क्लाइंट, इट्स टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट 84.9% टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2022, 2021, 2020। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है और काफ़ी इसको देखना चाहिए कि सिर्फ 5 क्लाइंट्स इनका सब कुछ आ रहा है, और तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। और थ्रेड्स की बात दी गई है कि कंपनी इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द कार्ड्स दैट आर द सर्कुलेशन एंड और एड ऑन दी इंश्योरेंस ऑफ न्यू क्रेडिट एंड डेबिट्स का, हाउ आर द कंटिन्यू कंटेनिंग इंक्रीजिंग द कैश स्पेंडिंग कपल्ड विद द डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग यूपीआई कुड इम्पैक्ट द रिलेवेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड विच इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। नो डाउट इनका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से काफ़ी कुछ बिजनेस डिपेंडेंट है, बट जैसे जैसे यूपीआई के ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं तो उनके मेरे जो प्रॉब्लम आएगी, तो मेरे हिसाब से ये एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम होगी। कंपनी अपने आप को रनअवे काफ़ी समय से काम कर रही है, 10 ईयर्स के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बीटेड आउट हो जाएंगी, बिकॉज ये चीज़ सब चीज़ जो यूजेबल है वो लग्जरी आइटम की हैं। और धीरे धीरे करके एयरपोर्ट की संख्या बढ़नी है, अगर हम पीपीटी की आप देखेंगे ना तो इसमें हम देखें तो इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटेड है, 1700 टच पॉइंट एक्स ग्लोबल है, और ओवर वर्ल्ड में इनके पास इतने 100 कंट्री इन्होंने कवर कर रखी, 95% मार्केट शेयर है, कार्ड बेस्ड लॉन्च एक्सेस इन इंडिया मतलब 95% इनके पास है, 100% लॉन्च कवरेज अक्रॉस द इंडियन एयरपोर्ट है, ये भी बहुत अच्छी बात है, 68% शेयर ओवरऑल द लॉन्च एक्सेस वॉल्यूम इन इंडिया, तो 68 जितने भी लॉन्च एक्सेस बना है उसका 68% इनके पास है, और 500 सिटी कवर्ड की है, ये एम्प्लॉय 73 दिया, आई डोंट नो कितने एम्प्लॉय मतलब मैनेजमेंट के लोग गिन लिए हैं क्या, इट इज़ अ डिफरेंट मैटर। एंड वन पॉइंट इज ऑल्सो हेयर आई विल ट्राई टू शो यू, ये लोग लॉन्च ए न्यू सर्विस ई सिम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ई सिम जो बाहर से कंट्री से अपने यहाँ विजिटर्स आते हैं तो उनको एक फिजिकल सिम लेने में टाइम लगता है, ये लोग ई सिम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो इनको सर्विस में काफ़ी बढ़ाएंगे, बिकॉज इंडिया में काफ़ी फॉरेनर आते हैं विजिट करने के लिए। लॉन्च ए न्यू सर्विस वीजा फैसिलिटेशन का ये भी इसमें भी आ गई, तो नो डाउट कंपनी हर टाइप के बिजनेस में आएगी जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड अगर हम बात करें, वन मोर पॉइंट इज दैट हेयर आई विल जस्ट, हाँ तो इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, इंडस्ट्रीज का ट्रेंड क्या है, प्राइवेटाइजेशन प्रीमियमाइजेशन मतलब मैं जो चीज़ें प्राइवेट की तरफ जाएंगी उसमें लग्जरी आएगी, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रेंड द प्रीमियमाइजेशन सीन द कंट्रीज ऑफ लग्जरी गुड्स एंड सर्विस सेम इज द एविडेंट और केस ऑफ द लॉजिस्ट लाउंजेस जो यूज करते हैं वो लग्जरी को शो करते हैं। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ हर चीज़ पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करती है, पर कैपिटा का अगर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो बना देंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पर कैपिटा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पर कैपिटा इन इंडिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पर कैपिटा वर्ल्ड में, और व्हाट इज़ द पर कैपिटा ऑफ योर होम, आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको अपना लेवल समझ में आ जाएगा। सो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गवर्नमेंट की एक उड़ान स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत न्यू न्यू एयरपोर्ट बनना है, छोटे छोटे जो रिमोट एरिया है उनको एयरपोर्ट से कनेक्ट करना है और टूरिस्ट प्लेस को कनेक्ट करना है, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, तो ये सब चीज़ें का कोई कमी नहीं आएगी। और हायर जो एयर का ट्रैफिक है इंडिया में अभी जो लोकल फ्लाइट्स का बहुत कम है, धीरे धीरे करके बहुत बढ़ना है, अगर यूएस की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यूएस से ही कंपेयर क्यों करते हैं कि हमें हमेशा जो चीज़ कंपेयर भी करना हो तो सबसे टॉप से करो ना, क्लास में अगर हमें कंपेयर करना हो तो क्लास के टॉपर से करना चाहिए, ना कि जो नीचे हमसे नीचे हम उससे कंपेयर क्या करेंगे, तो हमेशा टॉपर इसलिए यूएस से कंपेरिजन किया जाता है। तो ये पॉइंट था। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट हेयर उड़ान 5.0 स्कीम भी चल रही है, तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज दिस बिजनेस, इस बिजनेस में मुझे कोई काम डाउट नहीं लगती। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज देयर कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर इंडियन रेलवे के अंदर भी इन्होंने 8 लाउंज अपने ओपन कर लिए हैं, तो जैसे जैसे इंडियन रेलवे को लग्जरी ला रहे हैं तो ये लोग, इनके पास एक्सपर्टीज है बिजनेस की, इनके पास एक्सपर्टीज है इन सेक्टर में घुसने की, तो दे विल एंटर वेरी इजिली।
आज की तारीख में इंडिया, जो लोग इंडिया में आते हैं वाई प्लेन आ गए, जो इंडिया को विजिट करने आ रहे हैं, तो वो लोग हर जगह प्लेन नहीं चलते, हर जगह वो लोग इंडिया के रेलवे का भी मजा लेते हैं। तो रेलवे में भी इसलिए बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है और जो डेवलपमेंट है ये इस चीज़ को बढ़ाएगा डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो 8 लॉन्च हो गए हैं गवर्नमेंट को इस स्कीम के अंतर्गत 1309 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया में मॉडर्न बनाने हैं और कुछ पर काम चल रहा है। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ये इसमें भी आ जाएंगे, तो इनको इस चीज़ को भी ग्रो करेगा और ये कंपनी वैसे भी बहुत अच्छा कर सकती है फ्यूचर में। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल, बहुत जल्दी बताएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया है। सो अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2651 करोड़ की है, करंट प्राइस 507 रुपये का है, 52 बीक का है, 847 है, 308 गया है, स्टॉक का पी 36.7 है, ROC एंड ROE बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, ये कंपनी को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। नो डाउट पी थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्रीज के पी से, बट इंडस्ट्रीज में यही मार्केट लीडर है तो मेरे हिसाब से कोई पी बनता ही नहीं है, जो है वो पी स्टैंडर्ड पी इनका ही माना जाएगा। एंड नो डाउट कंपनी काफ़ी डेट फ्री कंपनी है एंड सो इसमें कोई दो राय की नहीं है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर हम जून सितंबर 21 से कंपेरिजन करेंगे तो एक तरह से मेरा भी गलत कहना होगा, क्योंकि ये टाइम कोविड का टाइम था, तब यहाँ पर इतना ट्रेवलिंग नहीं हो रही थी। बट अगर आप सब चीज़ सब सही हो गई तो जून 22 से कंपेरिजन कर लेते हैं तो 160 से 266 करोड़ की सेल्स हुई है, काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है। एंड नो डाउट अगर हम देखें तो सेल्स इज अ हाईएस्ट एवर, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं है, समटाइम अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। तो अभी भी 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर जून में इनके पास, दैट वाज 19 करोड़ आया था, उससे थोड़ा कम आया, ठीक है ओवरऑल चलता रहता है। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में, ठीक है। एंड पी एन एल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 879 करोड़ की यहाँ पे सेल्स दिख रही है 12 मंथ में, 889 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98 करोड़ का दिख रहा है, विच इज इक्वल टू लाइक ए मार्च 23, एंड इक्वली मानेंगे 1-2 करोड़ के आसपास, बट अगर तीन क्वार्टर के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। और नेट प्रॉफिट 72 करोड़ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा जंप है 16 करोड़ से 73 करोड़ के बीच में। एंड नो डाउट बैलेंस शीट भी काफ़ी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, शेयर कैपिटल 10 करोड़ का है, अपना पैसा लगातार इंप्रूव हो रहा है, रिजर्व इनके पास 146 करोड़ का है, बोरिंग सिर्फ 7 करोड़ की है, कैश इक्विवेलेंट यहाँ देखेंगे तो मेरे हिसाब से वो भी जीरो हो जाएगा, 37 करोड़ तो इनके पास खुद का पड़ा है, तो जीरो डेट कंपनी है, लोन नहीं है, सबसे बड़ी बात है कंपनी के पास लोन नहीं है। जो कंपनी के पास लोन नहीं होती उनके पास कोई देनदार ही नहीं है, जो कुछ कमाना है अपने एक्सपेंडिचर करना है उसका पैसा निकालना है, तो वो बिजनेस काफ़ी सस्टेनेबल होता है, काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर सकता है और नए बिजनेस में कूद सकता है, नए इंडियन रेलवे के लॉज में कूद सकता है, जो नए नए लग्जरी एयर स्टेशन बन रहे हैं रेलवे स्टेशन वहाँ पर जा सकता है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 66.02 है, FI यहाँ पे 11.94 है और DI यहाँ पे 8.92 है, पब्लिक के पास एसेट 13.13 दिखा है, ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक ठाक है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ट पैटर्न। सो जब भी मैं चार्ट की बात करता हूँ तो मैं ये बताऊँ कि आपको अगर ये स्टॉक एक साल पहले आया और विच इज कमिंग लाइक अभी भी एक साल की लिस्टेड रेट के मिल रहा है, जो लिस्ट ऊपर हुआ हालांकि उस रेट पर नहीं मिल रहा है, बट तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, बट अभी यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा बेस बना लिया है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे मुश्किल है, बट बेसिकली आ भी सकता है। इट इज़ अ स्टॉक मार्केट नियर टू 200 डेमा एवरेज के आसपास ये ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, एक वन मोर थिंग इज दैट हियर कि इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, नो डाउट फ्यूचर में यह स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, बट वन रिक्वेस्ट इज दैट अगर कि जैसे IPO जो अभी आई है फिलहाल, ये ओवर वैल्यूड आए, मतलब मैं उन्होंने अपनी जो वैल्यू थी उसको ओवर दिखा के शो किया है, सो वही इस स्टॉक के साथ भी है, 3 से 26 रुपये का जो वैल्यूएशन आया, और अगर हम उस वैल्यूएशन को लास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करें, जो मार्च 22 के रिजल्ट से कंपेयर करें, मार्च 22 के रिजल्ट कहाँ है, 16 करोड़ के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर में इनका IPO आया, उससे अभी 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, काफ़ी अच्छा है। अगर यही 73 करोड़ या 100 करोड़ पे पहुंचता है तो भी अच्छा है, तो अब लगता है कि फेयर वैल्यूएशन हो चुकी है, एक साल का टाइम भी निकल चुका है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रन अवे दे सकता है। रन अवे कितना दे सकता है, तो अगर कोई वैसे तो ऑल टाइम हाई इज़ द बेस्ट टारगेट, यहाँ से देखें तो 65% का रिटर्न आ सकता है, बट बेसिकली आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, तो थोड़ा जा भी सकता है, थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, कंपटीशन के पास बहुत कम है क्योंकि ये मार्केट लीडर है,
तो इनको बिजनेस करना आता है, दे नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग। इंडिया रेलवे में भी आ रहा है तो बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। आई होप आपकी क्वेरी जारी सारी खत्म हो गई होंगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। इसमें कुछ रह गया हो, कुछ जो आपको नहीं समझ में आया हो, जहाँ आपकी दुविधा ज़्यादा हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। कोई और क्वेरी हो तो ज़रूर डालिए। कोई और सब्सक्राइबर की कोई रिक्वेस्ट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो कैसा लगा ये भी डालिए। कोई कुछ और भी देखना हो तो ज़रूर बताइए। तब तक रखिए अपने पोर्टफोलियो का ध्यान, और सबसे बड़ी बात लक्ष्मी जी की आरती की दो लाइनें हमेशा याद रखना, सब कुछ संभव हो जाता मन नहीं घबराता। तो बी इन्वेस्टेड और हैप्पी जर्नी फॉर योर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एंड जो भी हो आपकी। तब तक बाय बाय।